जनपद को स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट या ई डिस्ट्रिक्ट बनाने से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो यहाँ की जनता को फ़ायदा होता है। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। हमको अच्छा लगा कि कम से कम हमारी विभाग की योजनाएं इससे सीधे सीधे जुड़ी हैं और प्रत्यक्ष रूप से हमको जहाँ जहाँ हमारी समस्याएं आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं या अध्यापक से रिलेटेड हैं या बच्चों से रिलेटेड हैं, उसका समाधान भी हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर सरोसी में बिजली की परेशानी बहुत शुरू से है और इस बिजली की परेशानी के कारण हम लोग काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है, जिससे कि हमने बिजली विभाग पर काफ़ी दबाव बनाया। बिजली विभाग पर दबाव बनाने के कारण और कई बार फॉलोअप करने के कारण वो एक कनेक्शन तो लगा गए संयोजन करके, पर बिजली नहीं आई प्रॉपरली। उसी बीच हमारे यहाँ यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर की टीम जो है उसने दौरा किया, उसने सारी प्रॉब्लम सुनी और हमसे कम्युनिकेट अच्छी तरीके से करा, हमें प्रॉब्लम का बेस जाना और बिजली विभाग का दबाव बनाया। उसके बाद से हमारे यहाँ बिजली प्रॉपरली आनी शुरू हो गई। मैं पहले जन शिकायत प्रकोष्ठ में था, वहाँ पर शिकायतें आती थी, शिकायतों का निस्तारण वहाँ पर 30-40 दिनों में करीबन आ जाता था, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं आता था। ये सब जानते हुए भी हम लोग उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाते थे, लेकिन स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाने से उन शिकायतों का निस्तारण तुरंत का तुरंत हो जाता है और ज़्यादा लंबी शिकायतें 1-2 दिन में समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी ढेरों उदाहरण हैं। अगर ऐसी जगहों पे कमांड ना होती तो वहाँ की समस्या का समाधान नहीं होता। इस तरह कमांड के आने से, इस प्रोजेक्ट से जनता को काफ़ी बल मिला हुआ है। हम लोग ने अभी तो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट को रोल आउट ही किया है, इससे ऑलरेडी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और अगर हम लोग सक्सेसफुल होते हैं इसकी समस्त सुविधाएं यूज़ करने में और पब्लिक को इसको पूरी तरीके से जोड़ने में, तो मेरे ख्याल से जो गवर्नेंस का जो पूरा अभी हम लोगों को रूप दिखता है या जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूप दिखता है वो बिल्कुल बदला हुआ नज़र आएगा। वेयर जो हम लोगों का जो बेनिफिशरी है, जो जनता है, वो हम लोगों की सहभागी होकर के हम लोगों के साथ ही खड़ी होगी।